सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो और सलाम दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके चैनल टेक विद सिंह पे। दोस्तों आपके लिए बैक टू बैक वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों आज वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टेली परफॉर्मेंस में जो हायरिंग चल रही है दिल्ली एनसीआर में। सबसे बड़ी बात दोस्तों इस वीडियो में यह है कि मैं आपको डिटेल्स तो सारी बताऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, लोकेशन क्या, एचआर का नंबर क्या है, बट उसके साथ तो सबसे बड़ी बात आपसे क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके कितने राउंड्स होंगे वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साइड है दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, एचआर से मेरी बात हो गई है, तो अगर आपने अप्लाई करना है हमारे रेफरेंस से लेकर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर मोटिवेशन बनता रहेगा मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा और जो हमारा कॉन्टैक्ट है एचआर के साथ वो भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। सबसे दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूं तो वो है टेली परफॉर्मेंस, और मुझे लगता है कि सबको इस कंपनी के बारे में मोस्टली पता ही होता है। दोस्तों डेजिग्नेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का आपका डेजिग्नेशन रहने वाला है, यानी कि आपने कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करना है। वो इनबाउंड भी हो सकता है, आउटबाउंड भी हो सकता है, बट आपको कॉलिंग पे ही कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अगर आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। सेकंडली दोस्तों यहाँ पे आपको 6 डेज वर्किंग रहने वाला है और रोटेशनल शिफ्ट्स मिलने वाली है। थर्ड जो कि सबसे अच्छी बात है कि दोस्तों इनको इमीडिएट ज्वाइनर्स चाहिए, तो अगर आपको जॉब पाने की जल्दी है, आप चाहते हो कि मुझे जॉब मिल जाए, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि इस कंपनी को आप कैंडिडेट्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब दोस्तों लास्ट स्टेप की जो कि बात करने वाले वो के इंटरव्यू डिटेल्स प्लस राउंड्स। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। अगर आपको जानना है कि भाई सारे क्वेश्चंस मोस्टली जो वो पूछेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मेरी आईडी शो हो रही है, आपको मैं सारे क्वेश्चंस बता दूंगा वन बाय वन की वो क्या आपसे पूछने वाले हैं, बट अभी खाली आपको सिलेक्टेड बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकते हैं वो है व्हाट इज इंश्योरेंस, सेकंड व्हाट इज कस्टमर सर्विस, थर्ड व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट, फोर्थ क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फिफ्थ दोस्तों आपने अपना लास्ट वीकेंड कैसे स्पेंड किया, सिक्स्थ वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके मेरिट्स क्या, आपके डीमेरिट्स क्या है, उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है, सिंपथी और एम्पथी में क्या फर्क है, उसके बाद दोस्तों आपसे वो पूछ सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होता है। तो ये जो नॉर्मली क्वेश्चन आपसे वो पूछे जाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। बट दोस्तों राउंड्स की बात करें, देखो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया आपके 4 राउंड्स होंगे, अब मैं वन बाय वन आपको सारे राउंड्स बता रहा हूँ उनमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला राउंड दोस्तों जो होगा एचआर राउंड, तो उसमें ऑब्वियसली आपसे इंट्रोडक्शन आपकी ली जाएगी। सेकंड राउंड दोस्तों जो होगा वो है एमकैट टेस्ट, ये लगभग आपका 40 मिनट्स का होने वाला है। इसमें दोस्तों आपसे मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ग्रामर आपके वॉइस क्लैरिटी टेस्ट, जो कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा या फिर अपनी तरफ से उस टॉपिक के ऊपर आपको 30 सेकंड तक कुछ भी बोलना है, मतलब सही बोलना है। थर्ड दोस्तों आपका ऑपरेशन मैनेजर राउंड होगा। अब इस राउंड में दोस्तों क्या है, आपको आपकी इंग्लिश चेक की जाएगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किए जाएंगे, और जो लास्ट राउंड है दोस्तों जो कि हमारा 4th राउंड है वो है वर्सन टेस्ट। अब इसमें दोस्तों ये इस राउंड में क्या होने वाला है, ये लास्ट आपका फाइनल राउंड होगा, तो मेक श्योर इसमें आप घबराओ मत दोस्तों। इसमें आपका आईवीआर कॉल के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें अब ये क्या होता है दोस्तों ऑटोमेटिकली कॉल आती है, एक रॉबोट लगा सकते हो या एक आप कह सकते हो ऑटोमेटिक कॉल आती है आपको, उसमें दोस्तों आपने जोर से बोलना है, क्योंकि अब वहां पे कोई बंदा तो सुनने नहीं वाला, वो आप बाद में सुनेंगे, बट आईवीआर कॉल पे दोस्तों आपने अपनी आवाज को बहुत तेज थोड़ा बोलना है, क्योंकि मैंने भी एक बार दिया था टेक महिंद्रा में, आवाज अच्छे से नहीं आती है, तो मेक श्योर आप अपने कान पे बिल्कुल अच्छे से फिट कर लीजिए और फिर जो वो पूछते हैं उसका जोर से जवाब दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपने आईवीआर के ऊपर अपने लाउड वॉइस रखनी है, क्लियर आपने बोलना है, और उसमें दोस्तों अब वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, जंबल वर्ड्स हो सकता है, या फिर दोस्तों आपको कोई सेंटेंस रिपीट करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये आपके 4 राउंड होने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, तो आपको एंट्री जो करनी है दोस्तों वह सुबह 8:30 से लेके सुबह 9:30 बजे के बीच में, अगर आप उसके बाद आते हो तो आपको एंट्री नहीं अलाउ की जाएगी। प्लस जो आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने, तो दोस्तों देखिए वो आपका रिज्यूम हो गया, अपडेटेड रिज्यूम। सेकंड दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, उसकी हार्ड कॉपी, और थर्ड दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप। अगर आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं होगी तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो मेक श्योर आप पहले उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और आपको सेफ वहां पे शो करना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप में कि आप सेफ हो, तभी आपकी एंट्री वहां होगी। एचआर का दोस्तों जो नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सारे दोस्तों उनकी जो ईमेल आईडी है वो मैं आपको दे दूंगा। जो कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस है टेली परफॉर्मेंस का दोस्तों जो कि है उद्योग विहार
गुड़गांव में, उसका दोस्तों जो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस क्या है, आप वहां जाके अपना इंटरव्यू वॉक इन दे सकते हो, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। जो भी डिटेल्स दोस्तों मैंने आपको बताई है एचआर मैम से पूछ के साइट मैंने आपके साथ शेयर करी है, कोई भी आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर दोस्तों इसको लाइक करेगा, और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करेगा जिनको इस जॉब के लिए बेसब्री से इंतजार है। और लास्ट दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो किसी भी चीज को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अब मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।